चलो देखो, जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमारा चैप्टर वन क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, सॉरी, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ऑफ द इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही रहेगा, कुत्ते का बच्चा बिल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स नए चाहिए लेकिन स्पीशीज क्या होनी चाहिए? सेम ही होगी। उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए बंदे चाहिए हमको, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। और कैसे होने चाहिए? सेम स्पीशीज के होने चाहिए, इंसान का बच्चा इंसान, बंदर और गधा नहीं, ठीक। आगे जाए, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर क्या आता है? क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? तो पहली बात, टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ, टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक दिन तो सबको मरना है, हम आए हैं तो जाना है, तो इसको सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते जाएंगे? दिन पे दिन खत्म होते जाएंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से उसी पेस पे क्या रहते रहेंगे? नए ऑर्गेनिजम्स बनते रहेंगे, तो अर्थ से लाइफ खत्म नहीं होगी। सेकेंड, टू मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, ऑन अर्थ। देखो, जैसे कि अभी मोदी जी ने क्या छोड़े ग्वालियर में? टाइगर छोड़े। क्यों छोड़े? क्योंकि इंडिया से खत्म हो गए थे, क्योंकि इंडिया से चीता छोड़े तो चीता छोड़ दिए पर खत्म हो गए थे। मुद्दा क्या है? क्योंकि वो खत्म हो गए थे तो उस स्पीशीज की पॉपुलेशन क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी, ठीक है। तो वो खत्म नहीं होने देना है, हमें चाहिए अर्थ पे हर कोई रहे, बैक्टीरिया भी रहे, वायरस भी रहे, कुत्ते भी रहे, बिल्ली भी रहे, बंदर भी रहे, गधे भी रहे, चीते भी रहे, यानी कि सारी की सारी बर्ड्स भी रहे। तो हर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का रीजनेबल नंबर होना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। थर्ड, क्यों जरूरी होता है? तो हमने कहा टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। क्यों जरूरी होता है? तो हम लोगों ने क्या बोला? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। मानो 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 बिल्ली एक्सटिंक्ट हो गई, कौन? कैट। अगर कैट एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? चूहों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और कुत्ते मरने लगेंगे, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों को खाते, तो उनका जो फूड है वो क्या होने लगेगा? खत्म होने लगेगा। इवेंचुअली बिल्ली क्योंकि चूहों को खाती है, तो चूहों की पॉपुलेशन इनिशियली क्या करने लगेगी? बढ़ने लगेगी। लेकिन चूहे जो खाना खाते हैं, अब वो फूड क्या होने लगेगा? कम, क्योंकि चूहों की पॉपुलेशन रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गई है, लेकिन फूड तो कितना था? लिमिटेड ही था। तो ऐसे में जब चूहों की पॉपुलेशन इनडेफिनेटली बढ़ने लगेगी, तो चूहों का फूड क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा, और इवेंचुअली क्या हो जाएगा? चूहों को खाना नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या हो जाएंगे? उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। इसलिए जरूरी होता है क्या? कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अब देखो, जब हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं, तो वो क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोग बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं? टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक कौन सा होता है? एसेक्सुअल, और एक होता है क्या? सेक्सुअल, ठीक है ना। एसेक्सुअल में कौन होता है? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। और ये जो वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मदर सेल। क्या कहते हैं?
मदर सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स, क्योंकि डॉटर सेल्स इवेंचुअली फिर क्या बनेगी, मदर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट रहता है वो कौन होती है, मदर सेल, ठीक है ना। यहाँ पर टू पेरेंट्स, टू इंडिविजुअल्स या टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हाँ गलत है, क्या करें, ठीक है ना, टू इंडिविजुअल, ठीक है ना, एक मदर सेल और एक फादर सेल। यहां पर गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमीट्स मतलब क्या होते हैं, सेक्स सेल्स, ठीक है ना। यहां पर गैमीट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, गैमीट्स मतलब यहां पे मेल गैमीट कौन होगा, स्पर्म, और फीमेल गैमीट कौन होगा, एग या फिर ओवम, ठीक है ना। यहां पर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस, जब माइटोसिस से सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या रहेंगे, सेम। यानी कि अगर मदर सेल के पास 26 क्रोमोसोम्स थे तो दोनों डॉटर सेल्स के पास कितने रहेंगे, 26, मतलब हर एक डॉटर के सेल के पास कितने रहेंगे, 26, ठीक है ना। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय मियोसिस, बाय, जब मैं कहती हूँ कि सेल डिवीजन कैसे हुआ है, मियोसिस, तो यहां पर जो डॉटर सेल्स रहेगी, यहां पर जो डॉटर सेल्स रहेगी उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब आधे होंगे, यानी कि मदर सेल में, यानी कि मदर सेल में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, अगर 46, तो डॉटर सेल में कितने रहेंगे, 23। माइटोसिस में, हाँ माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, दो। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, चार। माइटोसिस में एक सेल से कितने बनते हैं, दो। मियोसिस में एक सेल से कितने बनते हैं, चार, ठीक है। माइटोसिस के केस में लेस वेरिएशंस अकर, लेस वेरिएशंस अकर, और मियोसिस में मोर वेरिएशंस अकर, मियोसिस में मोर वेरिएशंस अकर। बोलो कोई परेशानी, इसमें क्या होता है कि अगर एक ये मेरी मदर सेल है, एक क्या है, ये मेरी मदर सेल है, तो मदर सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे डीएनए मटेरियल का क्या होगा, कॉपिंग होगा, यहाँ डीएनए मटेरियल का क्या होगा, कॉपिंग। तो इस कॉपिंग की वजह से दो डॉटर सेल्स बनेगी, कितनी डॉटर सेल्स बनेगी, दो, एक ये और एक ये क्या है, मेरी डॉटर सेल वन, ये कौन है, मेरी डॉटर सेल टू, और इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, इसके पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। ये किसका केस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि माइटोसिस का। जब यही कहानी हम लोग मियोसिस में स्टडी करेंगे, जब यही कहानी हम लोग मियोसिस में स्टडी करेंगे, तो ये है मेरी मदर सेल, इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46, यहां पर भी डीएनए कॉपिंग होगी, यहां पर भी डीएनए कॉपिंग होगी, और आफ्टर डीएनए कॉपिंग, आफ्टर डीएनए कॉपिंग यहाँ पे कितने गैमीट्स बनेंगे, चार, कितने गैमीट्स बनेंगे, चार। तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23, इसके पास कितने होंगे, 23, इसके पास कितने होंगे, 23, इसके पास कितने होंगे, 23। तो एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बन रही है, चार, और चार डॉटर सेल्स के पास क्या है, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं 2n यानी कि डिप्लॉइड, 2n यानी कि डिप्लॉइड, 2n यानी कि डिप्लॉइड। यहां पर जो मदर सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड, कैसी होती है, लेकिन जो डॉटर सेल्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, वो कैसे होते हैं,
हैप्लोइड मतलब दे कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये जो मदर सेल है ना, इससे चार गैमीट्स बने, यानी कि हो सकता है चार ओवम बने. क्या बने? चार ओवम. ये चार ओवम कब बनेंगे? जब इस तरह का माइटोसिस कहाँ होगा? फीमेल बॉडी में. कहाँ पर होगा? अब ऐसा ही माइटोसिस मियोसिस कहाँ हो सकता है? मेल बॉडी में भी हो सकता है. जब यही मियोसिस मेल बॉडी में होगा, अब कहाँ पर हो रहा है मियोसिस? मेल बॉडी में जब मियोसिस होगा तो भी कितने मेल बॉडी में कौन होगा? मियोसिस होगा. मेल बॉडी में कौन होगा? मियोसिस. तो ये जो मेल बॉडी के क्रोमोसोम्स थे, यहाँ क्या थे? डिप्लॉइड. अब ये क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड. और मेरे पास कितने स्पर्म्स बनेंगे? चार. कितने स्पर्म बनेंगे? चार. अब ये क्या चारों स्पर्म और चारों एग क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे क्या? नहीं. इन चार में से कोई एक आएगा. इन चार में से कोई एक आएगा, और इन चार में से भी कोई एक आएगा. अब ये जो एक आएगा ये एन लेकर आएगा, यहां से भी जो एक आएगा वो भी अपने क्या लेकर आएगा? एक लेकर आएगा. तो नया बच्चा जो बनेगा वो क्या बनेगा? डिप्लॉइड ही बनेगा. बट इस बार उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो मेल पेरेंट से भी आएंगे और फीमेल पेरेंट से भी आएंगे. यही रीजन होता है कि हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्यों होंगे? क्योंकि जो जायगॉट बन रहा है, जो जायगॉट बन रहा है उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं. अब देखो, मदर की बॉडी में जब डिविजन हुआ और एग्स बने, तो उन एग में भी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी, चारों एग्स एक जैसे नहीं होंगे. वैसे ही फादर की बॉडी में जब मियोसिस हुआ तो जो स्पर्म्स बने वो चारों स्पर्म्स एक जैसे होंगे क्या? नहीं. वो चारों स्पर्म्स ही एक दूसरे से क्या होंगे? कुछ कुछ अलग होंगे. तो एग में अपने आप की कुछ वेरिएशन रहती है, स्पर्म में भी अपने आप की कुछ वेरिएशन होती है. और जब एग और स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जायगॉट बनाएंगे. एग और स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जायगॉट बनाएंगे. तो उसमें मदर के भी कैरेक्टर्स होंगे और फादर के भी कैरेक्टर्स होंगे. इसलिए यहाँ पर जो वेरिएशन आएगी वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी. फिर मुद्दा उठता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कहाँ से आती है? तो हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन या माइटोसिस में लेस वेरिएशन लिखा है. हमने ये तो नहीं लिखा कि वेरिएशन नहीं आती. तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर लेस वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता. और क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता, जब ये माइटोसिस होगा तो जो नए सेल्स वो एग्जैक्ट प्रॉपर कॉपिंग नहीं होगा. तो जाहिर सी बात है कि जब उसमें डीएनए कॉपिंग होगा तो उसमें कुछ एरर आएंगे, और इसलिए जो रिजल्टिंग टू सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल वन और डॉटर सेल टू, इन दोनों में क्या रहेंगे? चेंजेस रहेंगे. ये 100% आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, पर काफी हद तक सेम रहेंगे. तो काफी हद तक सेम रहेंगे, कुछ हद तक अलग होंगे. इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे वेरिएशन क्या आती है? कम आती है. इज दैट क्लियर? अब सुनो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? डीएनए कॉपिंग. क्या पढ़ रहे हैं? ये एग्जाम में आने वाला है, छप चुका है. तो एग्जाम में आता है क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग. क्या आता है? इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग. क्वेश्चन नंबर वन, डीएनए कॉपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ, कैसे होता है? तो हम लोग कहते हैं देखो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके का आपका जो डीएनए होता है उसका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना. अब ये जो हेलिक्स होता है ये खुलता है, ये जो हेलिक्स है ये क्या होता है? खुलता है. वैन से ये खुलता है, इसका मतलब क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा. आई बात समझ में? अब इसके ऊपर पूरी कोडिंग लिखी हुई है. क्या लिखी हुई है? कोडिंग, कि ये आंखों का कलर है, ये हाइट है, ये कुछ है, ये कुछ है. आई बात समझ में? सेम यहां पर भी कुछ तो कोडिंग लिखी होगी. गॉट इट? अब इसके आगे एक ब्लैंक स्ट्रैंड आएगा. कहां पर? यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है ना. और ये वाला सारा इंफॉर्मेशन यहां कॉपी होगा, और ये वाला सारा इंफॉर्मेशन यहां कॉपी होगा. यानी कि जो ऊपर वाला डीएनए, इसके स्ट्रैंड, ये फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, और ये नीचे वाला क्या होता जाएगा? जहां जहां कॉपिंग होती जा रही है ये बंद होता
जाएगा और ये खुल के फिर नीचे वापस बंद हो जाएगा. तो दिस इज हाउ डीएनए कॉपिंग इज डन. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, हाँ इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ व्हाई इज डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट? बिकॉज व्हेन सेल डिवाइड्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स. और जब एग्जिस्टिंग सेल्स में से नए सेल्स बनेंगे तो उनको पूरा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन डीएनए देना पड़ेगा. ठीक है. सो द न्यू सेल्स रिक्वायर कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर देयर एग्जिस्टेंस. When I say कि उनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पूरी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो अगर डीएनए कॉपिंग नहीं हुआ तो दोनों डॉटर सेल्स को आधा आधा डीएनए मिलेगा, लेकिन आधे आधे डीएनए से उनकी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, यानी कि उन्हें पूरा ही डीएनए देना है. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको पूरा डीएनए देने के लिए पहले क्या करते हैं, डीएनए की एक कॉपी बनाते हैं ताकि जो नया सेलुलर अपैरेटस बने उसे पूरा डीएनए मिले, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देयर एग्जिस्टेंस जो है वो पूरी मिले, सो दैट वो अपनी लाइफ सही से ले पाए. आ रही है बात समझ में? सो व्हेन अ सेल डिवाइड्स, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, द न्यू सेल्स रिक्वायर कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर देयर एग्जिस्टेंस. ठीक है. हेंस डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए कॉपिंग इज necessary to give equal amount of DNA ठीक है. So DNA copying is necessary to give equal amount of DNA to the new cells. This is reason number one why is DNA copying important. ठीक है ना. दूसरा reason क्या होता है, DNA copying is important because it brings about variations. कैसे लाएगा ये variations? वही कहानी. DNA copying अपने आप में क्या है, एक biological process है. DNA copy is a biological process and no biological process in nature is 100% accurate. और अगर वो 100% accurate नहीं है तो एरर्स आर बाउंड टू हैपन. और जब ये एरर होंगे तो जो नए सेल्स होंगे वो पुराने सेल से आइडेंटिकल नहीं होंगे. द न्यू सेल्स विल नॉट बी आइडेंटिकल to existing cells. Hence, variations occur and variations are necessary. Variations are necessary for survival of species.